नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज आपका अपने हिमजा सलाट यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेवटी भर्ती का जो फार्मूला फाइनल हो चुका है, मेरिट में आई बी एड भर्तियों जितने पद रहेंगे खाली, इसके बारे में जो अपडेट आई है इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए डिटेल में वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से कोर्ट में अटकी जेबीटी भर्ती को लेकर जारी पत्र को बेशक वापस लेना पड़ा हो, लेकिन इस भर्ती का फार्मूला जब सरकार के स्तर पर तय हो गया है। राज्य सरकार कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को यह निर्देश भेज रही है कि परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए और मेरिट में आए बीएड के अभ्यर्थियों जितनी सीटें खाली रखी जाएँ, अभी सिर्फ जेबीटी के अभ्यर्थियों को ही मेरिट में आने के बाद स्कूलों में नियुक्ति दी जाए। इससे संबंधित आवेदन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में भी रखा है। शिक्षा सचिव डॉक्टर रजनीश जी ने इस फार्मूले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से जारी पत्र को इसलिए वापस लेना पड़ा क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर पंकज ललित जी की ओर से यह पत्र स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के सेक्रेटरी को जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि जेबीटी भर्ती की पोस्ट कोड 721 के मामले में प्रक्रिया को आगे शुरू किया जाए और इसमें एनसीटीई की ओर से 2018 में जारी निर्देशों के अनुसार पात्र बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए, लेकिन शर्त यह रखी रहेगी कि जेबीटी के वर्तमान भर्ती नियमों और इस भर्ती के विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ही यह भर्ती हो। इसलिए यह निर्देश विरोधाभासी थे क्योंकि यदि भर्ती विज्ञापन के भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती करनी है तो बीएड उसमें शामिल ही नहीं। ऐसे में एनसीटीई की 2018 की गाइडलाइन पर गौर करने का कोई लाभ नहीं है। यह खामी पता चलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कुछ ही समय में इस पत्र को वापस भी ले लिया। अब नए सिरे से निर्देश सोमवार या इसके बाद ही जारी हो पाएंगे। शिक्षा सचिव डॉक्टर रजनीश जी ने यह बताया कि जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और अभी इसमें यही रास्ता निकालना उचित रहेगा। राज्य सरकार का स्टैंड एकदम साफ है कि जेबीटी पदों पर बीएड नियुक्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल रिजल्ट घोषित करने के बाद सिर्फ जेबीटी के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी और बीएड के जितने लोग मेरिट में आते हैं उतने पद खाली रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने भी इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे दो मामलों के अंतिम फैसले से प्रभावित रहते हुए दी है। तो जैसे ही इनकी तरफ से अगली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, क्षमा करना दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू दोस्तों।